अभी प्रॉब्लम ये है कि सफेद बालों के साथ साथ सफेद दाढ़ी की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो गई है। जिनको बियर्ड रखना है और वो रख सकते हैं, वो भी नहीं रख पा रहे क्योंकि उनकी ग्रोथ तो अच्छी है, बट जब वो ग्रो करते हैं, स्टाइल में लाते हैं, प्रॉपर शेप में लाते हैं, फिर यहाँ वहाँ से सफेद बाल क्या न जाने कहाँ से आ जाता है। यहाँ से तीन चार आ जाएंगे, यहाँ से तीन चार आ जाएंगे, यहाँ मूंछ पे तीन चार आ जाएंगे और पूरी पर्सनैलिटी डल करके रख देते हैं। और साथ ही में बंदा एज्ड भी दिखता है, थोड़ा बड़ा लगता है, 20-30 का बंदा 40 का लगना भी कमी नहीं होती क्योंकि सफेद बालों की वजह से पूरा जो पर्सनालिटी है वो खराब हो जाता है। अगर वो सफेद बाल पूरे हो तो ठीक है, बट ऐसे पैचेस में आते हैं ना तो बहुत तकलीफ देते हैं। तो यहां पे क्या है, एक सलूशन है कि आप अपने बियर्ड्स को जो है वो कलर कर सकते हो और अपने मनचाही जो स्टाइल है बियर्ड्स की आप रख सकते हो। तो यहां पे मैं एक प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा हूं इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं रेकमेंड कर रहा हूं अर्बन गबरू का शैंपू कलर जो नेचुरल है और अमोनिया फ्री है। उसके साथ-साथ इसमें विटामिन सी के जो गुण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, दूसरे डाई में अमोनिया और हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, तो अपनी जो दाढ़ी रहती है वो ऑलरेडी थोड़ी हार्ड नेचर की रहती है। आप दूसरे प्रोडक्ट लगाओगे अमोनिया वाले तो क्या होगा, आपकी जो दाढ़ी जब आप उसके ऊपर कलर करोगे या फिर जो ब्रश वगैरह से जो लगाने का टेक्निक है, उससे क्या होगा कि आपकी दाढ़ी और कड़क हो जाएगी और आपको चुभन महसूस होगी। बट जब आप अर्बन गबरू का ये प्रोडक्ट लगाते हो तो आपकी दाढ़ी हार्ड नहीं होती है, उल्टा वो सॉफ्ट हो जाती है, बिकॉज उसमें विटामिन सी के जो तत्व है वो हेल्प कर देते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप इस प्रोडक्ट को लगाओ तो आपको पूरे सेफ्टी से लगाना चाहिए, बिकॉज जब भी कोई भी हेयर डाई हो या कोई भी प्रोडक्ट हो उसे प्रॉपरली लगाने का एक तरीका रहता है। इसे कैसे लगाया जाता है, इसे सबसे पहले तो आपको आपके बाल जो है वो धोने पड़ेंगे, बियर्ड्स अच्छे से धो लीजिए और साथ ही में ये प्रोडक्ट आप अपने सर पे भी लगा सकते हो, तो सर भी अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद आपको इन्हें सुखाना है, प्रॉपरली अच्छे से सुखाना है। सुखाने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट जब आप खोलोगे तो इस प्रोडक्ट में आपको मिलने वाला है एक ग्लव्स का पैकेट, उसे अच्छे से पहन लेना है और फिर उसमें जो है आपको ये दो बॉटल्स अच्छे से शेक करके इक्वल क्वांटिटी में इसके अंदर का लिक्विड लेना है और आपके सर पे और आपके बियर्ड्स पे प्रॉपरली लगा देना है। अब यहाँ पे जब आप इसे लगाओगे तो इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद नॉर्मली आप बाथरूम में जाइए, आप इसे रिंस कीजिए, अच्छे से वॉश करिए और आपका काम हो गया, आपके सफ़ेद बालों की समस्या खत्म हो गई। ये प्रोडक्ट की एक और बात मुझे अच्छी लगती है कि दूसरे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं जो हार्मफुल रहते हैं अमोनिया वाले, वो आपकी स्कैल्प को, जैसे समझो ये मेरे बियर्ड्स के नीचे की स्किन है, उसको भी काला कर देगी, बट ये जो प्रोडक्ट है प्रॉपरली आपके बालों पे जो है वो एडजस्ट होता है, आपकी जो स्किन है वो काली नहीं होती है। और इसी के साथ साथ आपको जो बियर्ड रखनी है, आपकी जो ख्वाहिश है बियर्ड रखने की प्रॉपर सी, तो वो पूरी हो जाती है। तो और क्या चाहिए आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो प्रॉपरली की गई है ताकि जो आपको प्रोडक्ट मिले वो प्रॉपर फॉर्म में मिले। बहुत से मैंने हेयर डाई देखे कि एक चपटे से पैकेट में आते हैं, दो ऐसे सॉल्यूशंस उसमें रहते हैं एंड फिर पता नहीं वो प्रोडक्ट कहाँ का और किस किस कंडीशन में रखा गया है, बट ये जो प्रोडक्ट है ऐसा प्रॉपर वे में आपके पास आता है कि आपको वो अंदर का एक्स्ट्रैक्ट जो है आपके बालों पे प्रॉपरली लगेगा और आपको साइड इफेक्ट्स कम से कम होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसे लगाने का तरीका जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको करना है। अगर आपका लगाने का तरीका प्रॉपर नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल समझो लगाते वक्त आपने बाल धोए नहीं रहेंगे, बस सूखे बालों पर आपने लगा दिया है, तो वहाँ रिएक्शंस हो सकते हैं। रिएक्शंस क्या हो सकते हैं कि आपके अंदर की जो डर्ट है बालों की और जो हमारे ये जो शैम्पू कलर है अर्बन गबरू का, वो जो है वो पूरी तरह मीन्स साइड इफेक्ट्स दे सकता है, ठीक है, रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए जैसा प्रोसीजर कहा गया है वैसे ही इसे यूज़ करिए, क्योंकि क्या रहता है बहुत से बार प्रोडक्ट अच्छा रहता है, हम लोग उसे बराबर यूज़ नहीं करते और प्रोडक्ट बदनाम हो जाता है। अब यहाँ पे एक और स्पेशल मेंशन कि अगर आपने मेहंदी और हैना आपके दाढ़ी या बालों में लगाए हैं, बहुत से लोग लगाते हैं, तो उसको लगाने के बाद तुरंत ये प्रोडक्ट यूज़ ना करिए, आप 15-20 दिन का गैप लीजिए, उसके बाद ही अर्बन गबरू का शैम्पू कलर यूज़ करिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है दोस्तों तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके खरीद सकते हो और साथ ही में जो डिस्काउंट है वो आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, वहां पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और मुझे सवाल पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। और साथ ही में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिन्हें सफेद बाल की प्रॉब्लम है और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें पूरे करने हैं 30K सब्सक्राइबर, हमें 30K सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी करनी है ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव काम है वो सब तक पहुँच सके। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड। इट्स रोहन वाक्चरे साइनिंग।